शहर विधायक गजेंद्र यादव की पहल से दुर्ग शहर में जल्द संवरेगी आईटी पार्क की परिकल्पना, जिसके चलते भिलाई में महत्वपूर्ण बैठकें भी शुरू हो चुकी है। दुर्ग शहर में विधायक गजेंद्र यादव की पहल से आईटी पार्क की परिकल्पना बहुत जल्द साकार हो सकती है। इसके लिए आईआईटी कैंपस भिलाई में महत्वपूर्ण बैठकें भी लगभग सम्पन्न हो चुकी है। इस आईटी पार्क के लिए दुर्ग से होकर गुजरने वाली जीई रोड से सेंट्रल जेल के बीच मौजूद कुक्कुट पालन क्षेत्र के करीब 80 एकड़ जमीन को चिन्हांकित किया गया है। इसके बाद सभी विभागों से एनओसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक दुर्ग गजेंद्र यादव ने आईटी पार्क के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की है। इस दिशा में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईटी पार्क के बनने से क्षेत्र के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि अन्य राज्यों की ओर होने वाले पलायन पर भी विराम लग सकेगा। इस संबंध में विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्क की लगभग पूरी संभावना है, भारत सरकार ने भी उसके लिए सहमति दे दी है। कल परसों राजभवन में हमारे आईआईटी डायरेक्टर साहब ने बताया कि भारत सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए उनको निर्देश दे दिया है आईटी दुर्ग में बनाने के लिए, और आईआईटी भिलाई के माध्यम से ही आईटी पार्क दुर्ग बनेगा। और प्रारंभिक तैयारी तो हमने प्रथम चरण ले लिया था, दूसरा तैयारी उन्होंने डीपीआर बनाने काम कर लिया है। आईटी भिलाई डीपीआर बना रहा है, तैयार कर रहा है। और अभी उस दिन राजभवन में जो बैठक हुई, बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके सचिव और आईआईटी डायरेक्टर में भी उपस्थित था साथ में। सब लोगों ने कहा कि जो बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, छत्तीसगढ़ सरकार की पॉलिसी मांग रही है। पॉलिसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के साथ बैठ के राज्य शासन को हम भेज रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर एक बैठक अभी मंत्रालय में बैठक होने की है। राज्य सरकार की पॉलिसी हम पहले उन सभी इंटरनेशनल कंपनियों को देंगे। पॉलिसी तय होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियां अपना एमओयू करेगी और बहुत जल्द हमारे बीच में वो काम चालू हो जाएगा। कौन सी जगह को चिन्हित किया गया है, या कोई जी रोड से लेकर जेल रोड के बीच की जितनी ज़मीन है हमने उसको चयन किया है। और माननीय ओपी चौधरी साहब जो हमारे पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं, उनको हमने निवेदन किया है कि ये जमीन को आप आईटी पार्क में सुरक्षित करवाएं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।